ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों, एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। अब ये जान लेते हैं कौन सा मुखी रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है। तो एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए पहना जाता है और सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष 7 मुखी होता है। अगर एक ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी 7 मुखी रुद्राक्ष को सिद्ध करके पहन लेता है तो उस व्यक्ति की जिंदगी में कभी भी उसके पास संपदा की कमी नहीं हो सकती। 7 मुखी रुद्राक्ष को पहनने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आ सकता, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। वहीं 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जिस भी बच्चे को 3 मुखी रुद्राक्ष पहना दिया जाए वो कभी भी विद्या में कमजोर नहीं होगा। 11 मुखी रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर के लिए होता है। जिसे ब्लड प्रेशर की समस्या है उसको 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने से उसकी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। 5 मुखी रुद्राक्ष उस व्यक्ति के लिए है जो बिजनेस करता हो, व्यवसाय करता हो, उसका कोई ना कोई बड़ा काम होते होते रुक जाता हो, कार्य पूर्ण ही नहीं होता हो या नौकरी ना मिल रही हो उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को 5 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। क्योंकि भगवान शिव की कथा कहती है कि 14 मुखी रुद्राक्ष संपदा प्रदान करने वाला होता है और जितने से जितना छोटा रुद्राक्ष होता है उतना ही वो रुद्राक्ष सुख संपदा प्रदान करता है। रुद्राक्ष जितना ही छोटा हो उतना ही अच्छा फल प्रदान करता है, ऐसा शिव पुराण की कथा कहती है। अच्छा, आखिर क्यों पहनते हैं रुद्राक्ष, क्यों पहनते हैं तुलसी? शिव पुराण की कथा कहती है कि आप रोजाना गंगा नहाने जा सकते हो, क्या नर्मदा नहाने जा सकते हो, क्या आप यमुना नहाने जा सकते हो? हर गृहस्थी में रहने वाला मनुष्य रोजाना गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकता। तो बाबा भोलेनाथ की कथा में वेद व्यास जी ने वर्णित किया है कि जो वैष्णो जीव हैं, जो सनातनी हैं, गले में तुलसी पहनेंगे और जो शिव भक्त गले में रुद्राक्ष पहनेगा, जब वो व्यक्ति स्नान करेगा उसके रुद्राक्ष का पानी, उसकी तुलसी का पानी उसके शरीर से लपटा हुआ जाएगा तो गंगा, यमुना, सरस्वती सब नदियों के स्नान का फल उस व्यक्ति को तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इतना बड़ा लाभ होता है रुद्राक्ष पहनने का। वहीं एक और सबसे महत्वपूर्ण बात रुद्राक्ष पहनने का कि जिस भी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं अगर वो कहीं भी हो और वो अपने गले में रुद्राक्ष धारण किए हो और उसके प्राण निकल गए हो तो वो सीधे शिवधाम पहुंच जाता है। उसे साक्षात मेरे देवाधि महादेव स्वयं लेने आते हैं। वो नर्क को ना भोग कर सीधे महादेव के चरणों में पहुँच जाता है, ऐसा शिव पुराण में वर्णित है। धन्यवाद।